आइए आपको आज एक बार फिर कराची के चिड़ियाघर लेकर चलते हैं, जहां कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ बुरी खबर भी है। अच्छी खबरों में 3 माह में जहां पस्ताकत घोड़े, काकाटू, किंग तोता, अफ्रीकी गिरे तोते के साथ साथ मिकाओ और मार्शल ईगल का जहां इजाफा हुआ था, अब चिड़ियाघर में अड़ियाल के जोड़े का भी इजाफा कर दिया गया है। जबकि 3 माह में चिड़ियाघर में पैदाइश का अमल भी जारी रहा, जिसमें काले हिरन, हॉक हिरन, बत्तखों के साथ साथ ऊंट के बच्चों का भी इजाफा हुआ है। जबकि इस दौरान एक काला, 2 सफेद हिरन के साथ साथ गीदड़ के 2 बच्चे इस दुनिया से रुखसत हुए। ये थी बुरी खबर। जबकि इस वक्त भी चिड़ियाघर में तेज धूप में लोग, खुसूसन नौजवान जोड़े मौजूद रहते हैं, वहीं बंगाल टाइगर्स भी चिड़ियाघर में मौजूद है और अपनी खूबसूरती भी यकीनन आप है। जबकि ये कराची वालों के लिए एक अफसोसनाक खबर है कि ये 24 साल बबर शेर अब अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और किसी वक्त भी इस दुनिया से रुखसत होने की इत्तला आपको दी जा सकती है, और शायद यही वजह है कि इसको जिंदा हालत में देखने के लिए आज बच्चे मौजूद हैं और ये बूढ़ा बबर शेर भी अपनी पूरी गरज बरकरार रखने की भी कोशिश कर रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। कराची के चिड़ियाघर में आज खूबसूरत चरिंद परिंद तो यकीनन तवज्जो का बायस बन रहे हैं और डायरेक्टर चिड़ियाघर बशीर खान सदोजई भी अपने चरिंद परिंद की देखभाल करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद की जो कोशिश है कि कराची के चिड़ियाघर को पाकिस्तान का मुनफरद चिड़ियाघर बनाए, वो भी अमली तौर पर हम 2-3 माह में देख सकेंगे। कैमरामैन नईम निजामी के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1, कराची।